मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक लेकर कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर पहुंचे स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने गुरुवार को कोविड के इलाज में लगे शासकीय हॉस्पिटल व प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ बैठक की, जिसमें कोविड के विषय में शासकीय व प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों से जानकारी प्राप्त की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में तेजी से कोरोना महामारी पर काबू पाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना महामारी से सरकार किसी को नहीं बचा सकती, इसके लिए स्वयं को सावधानी बरतनी होगी। मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। इंदौर में आज मैं यहाँ के जो हॉस्पिटल्स में सीनियर डॉक्टर्स कोविड के इलाज में लगे हुए थे, उनसे मैंने भी बातचीत करी है। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी थे और सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की आशय यह था कि इनके अनुभव से ये समझने की कोशिश की जाए कि अब एपिडेमिक की दिशा क्या है, क्योंकि जब से पिछले सितंबर में आप सबको पता है केसेस की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जो अब स्टेबलाइज हो गई है। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो हम लोग लगभग 2600 केसेस पर डे तक पहुँच गए थे, जो वापस 2000 के आसपास आया है। लेकिन ऐसी संभावना भी है कि जैसे फेस्टिवल सीज़न आएगा और जैसे गाँव और देहातों के साथ शहरों का मूवमेंट बढ़ेगा, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में केसेस की संख्या बढ़ भी सकती है। सो मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी से समझने की कोशिश कर रहा था कि उनका पर्सपेक्टिव इस विषय में क्या है, चूँकि वो लोग केसेस से सीधे डील कर रहे हैं। दो तीन बातें यहाँ के डॉक्टर से बातचीत करने में मुझे समझ में आई। पहली बात, इन लोग का ऐसा कहना है कि अगर केसेस की संख्या बढ़ती भी है तो हमको होम आइसोलेशन को फर्दर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अस्पताल के बेड की आवश्यकता नहीं है और अगर वो होम आइसोलेशन में रहेंगे तो वहाँ रहने से उनको ज़्यादा लाभ होगा। दूसरा, डॉक्टर्स ने टेली मेडिसिन को बढ़ावा देने की बात भी कही कि हम टेली मेडिसिन के माध्यम से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक सीनियर डॉक्टर्स ने ये सलाह भी दी कि हमको आसपास के जिलों के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए और हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंदौर जैसे बड़े शहरों में हो रही हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। ये उनकी बैठकों के कुल मिला के मुख्य सुझाव थे जिस पर उनसे चर्चा हुई है। हम लोग अब अपनी प्लानिंग हमेशा एक महीना आगे करके चलते हैं, तो सितंबर, अब हम लोग ने नवंबर के बारे में प्लान करना शुरू कर दिया है कि हमको नवंबर में क्या सिचुएशन बनेगी, तो उस हिसाब से इन लोगों से बातचीत बहुत उपयोगी रही है। सर, एक पॉजिटिव चीज़ एमपी के लिए आ रहा है, इंदौर भोपाल क्या स्थिति है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको पता है, अपना मोहल्ले का आसपास का माहौल देखो तो आपको पता चलेगा कि लोग बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं और वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार इस बात का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी से बचने का सबसे अच्छा इलाका, सबसे अच्छा तरीका फेस मास्क का उपयोग करना है, हैंड सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है। सरकार उनको बीमारी से नहीं बचा सकती, लेकिन अगर वो खुद कोशिश करें तो बच सकते हैं। लगातार हम इस बात का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। टेस्टिंग के अपने गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पार पहुँच चुकी है। वहीं अब तक 2316 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक करीब 1,05,000 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।